बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह पाक तुहानू सारिआं नूं अपनी हिफ्ज़ो मान च रखे, ढेर सारी खुशियां देवे, आमीन। सब तो पहले मेरे सारे भैन भाइयों नूं, अंकल आंटियां ते जिन्हें भी बजुर्ग ने उन्हां सब नूं ईद उल ज़ुहा दी बहुत ज़्यादा मुबारक होवे। अल्लाह पाक तुहाडे सारिआं दीआं कुरबानियां कीतीआं कबूल करे, आमीन। ते असी भी कुरबानी करन लगे हैं अलहमदुलिल्ला। जिदा कि तुसी देख रहे हो साडे कोल जिहड़ी है ना झोटी, मज को कह मज उहनू कहिंदे आ जिहदी उम्र ज़्यादा होवे, ते झोटी उहनू कहिंदे आ जिहदी उम्र घट होवे। ते इह हैगी आ झोटी जिहड़ी असी हलाल करनी आ। ते इह माशाला इहदे विच सत्त हिस्से ने, ते जिन्हां भैणां भरावां ने हिस्सा पाया वा उहनां दा नाम लैनी आ मैं। सब तो पहले असद फैमिली USA तों, अल्लाह पाक उहनां दी कुरबानी कबूल फरमाए, आमीन। ते उस तो बाद ने मुहम्मद वाहद एंड तहसीना बेगम USA वाशिंगटन, ते अल्लाह पाक उन्हां दी भी कुरबानी कबूल फरमाए, आमीन। इस तो बाद आ इरम यूसफ एंड उन्हां दी फैमिली दी तरफों कुरबानियाँ, अल्लाह पाक कबूल फरमाए, आमीन। उस तो बाद ने शुएब शेख एंड रिफत जहान USA तो, उन्हां दी भी कुरबानियाँ, अल्लाह पाक तुहाडे सारिआं दी कुरबानी कीती कबूल करे। ते अल्लाह पाक तुहानू मजीद हिम्मत देवे ताकि असी इसे तरह हर साल मझां जिहड़ियां ओह हलाल करके मुस्तहिक अफराद तक गोश्त पहुँचाइए। ते इंशाल्लाह जिदा ही ये हलाल हुंदी है ते कसाई दा वेट हो रहा, कसाई हुंदा इन्हां नू हलाल करांगे। उस तो अलावा जिहड़ा मझ दे विच सत्त हिस्से हुंदे आ, ते मैं जिहड़े नाँ ले आ 1, 2, 3, 4 आ। इस तो इलावा तीन होर भी हिस्से हैगे ने जिन्हां दा नाम जिहड़ा ओह नहीं लिया हैगा, हिडन आ उहनां दा नाम। अल्लाह पाक उहनां दी भी कुरबानी कबूल करे, आमीन। असल चीज़ हुंदी आ इंसान दी नीयत, अल्लाह ताला जिहड़ा ना नीयत देखदा। जदों असीं इरादा कर लैंदे आ ना कि असीं आह काम करना या असीं आह नेकी करनी आ, ते अल्लाह पाक उहदा अजर ओह सवाब सानूं उस टाइम ही दे दिंदा वा। ते इह जिहड़े साडे भैण भरा पाकिस्तान तो बाहर बैठे ने, उन्होंने अपने पाकिस्तानियों नूं याद रख्या, मुस्तहिक अफराद वास्ते उन्होंने कुरबानियां जिहड़ियां ओह करन दा इरादा कीता वा। इंशाल्लाह थोड़ी देर तक असीं मुस्तहिक कोले पहुँच के गोश्त तकसीम करांगे, तुहाडे नाल शेयर करांगे। एक वारी फिर तो तुहानूं सारिआं नूं ईद मुबारक, ते अल्लाह पाक सब दीआं कुरबानियां कीतीआं कबूल करे, आमीन। हाए मैं तेरे नाल प्यार करन लगी सी, कहिंदी ना कर। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी है, सेहतमंद आ, ते नौजवान माझा माशाल्लाह। चलिए नयाब ईद मुबारक बोल दो सबको, सबको सबको ईद मुबारक। चलो कुर्बान करन तो पहले जेड़ा ना जानवर नू नहलाया तलाया जांदा, साफ सुथरा करके उन्हूं पानी वगैरह पिलाया जांदा वा। ते असी भी जेड़ा माझे नू ना नवाण लगे हैं तो पानी पिलावांगे, उस तो बाद फिर जेड़ा ना इंशाल्लाह ताला इन्हों कुर्बान होएगी, ज़िबा करांगे, ते फिर जेड़ा ना इंशाल्लाह गोश्त तकसीम करांगे। आ देखो उन्हों भी प्यास लगी हुई सी, ते नाल ही इन्हों साफ सुथरा करके नवा धवा के, ते फिर जेड़ा ना साफ सुथरा गोश्त होएगा, ते गोश्त जेड़ा वा उहदे ते रेत वगैरह नहीं लगेगी, ते अच्छे तरीके नाल साफ सुथरे तरीके नाल इंशाल्लाह कुर्बानी होएगी, ते साफ सुथरे तरीके नाल ही तकसीम होएगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक बाजी, कैसी हैं? ठीक हैं? आ लो ये तुहाडा हिस्सा, कुरबानी दा गोश्त पकाओ ते खाओ। हाँ जी अलहमदुलिल्लाह, अलहमदुलिल्लाह ठीक ठाक, शुक्र है अल्लाह दा। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, खैर मुबारक। दरवाज़ा खोलो। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, ठीक हो आप? चलो ठीक है, जाओ। वालेकुम सलाम,
आलू बच्चों वास्ते गोश्त घर हो तू कपड़े नहीं पहने हैं अस्सलाम वालेकुम कैसी हैं ठीक हैं ईद मुबारक ईद का गोश्त खाएं और दुआओं में याद रखें ठीक हो हाँ जी मगरब दी अज़ाना हो रही मगरब हो गई है गोश्त तकसीम कर दें हले भी बहुत सारे अफराद आ बहुत सारे घर आ जिते गोश्त तकसीम करना वा तो छेती छेती कर लीए अच्छो ईद मुबारक ये लो ईद का गोश्त हाँ जी कैसी हैं ठीक हैं तबीयत से ठीक है अस्सलाम वालेकुम हाँ जी नो ईद का गोश्त तो ईद मुबारक जज़ाकअल्लाह अस्सलाम वालेकुम अंकल ईद का गोश्त ताकू भी ईद मुबारक वालेकुम सलाम आपको भी ईद मुबारक कैसे हो बच्चों वालेकुम सलाम बच्चे अस्सलाम वालेकुम की हाल है ठीक ठाक हो ठीक ईद मुबारक ईद का गोश्त पकाओ प्यारे भैन भरावो नहीं मैं तो खलो के दसूंगी क्योंकि मैं सह बहुत ज़्यादा चढ़िया हुआ रेगिस्तान वा ये ये तो चलना बहुत मुश्किल हुंदा वा तो गोश्त चक के होर ज़्यादा मुश्किल हुंदा तो इस टाइम मैं बहुत ज़्यादा प्यास भी लग चुकी है तो मेरा सांस बहुत ज़्यादा फूल रहा तो आ जाओ हूँ अस्सलाम वालेकुम ईद मुबारक ये लें ईद का गोश्त आपका हिस्सा पकाएं और खाएं ईद मुबारक ईद का गोश्त ये लें अल्लाह सिया ढेर देवे अपने बच्चों के लिए ओ चलें अल्लाह बच्चे भी देगा आ जा इत्थे ते कुत्ता भी बहुत बड़ा खड़ा वा ते देख भी रहा वा ते कुत्ते पैण दा भी खतरा वा ते कुत्ते अस्तगफिरुल्ला नहीं 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 मैं कुर्बानी दा गोश्त देण आई हां मैनू कुछ नहीं कहना शाम पै गई है ना नेरा हो चलिया वा इस वजह तो कुत्ते भी ना खुले तुरे फिरदे आ बारिश भी पई आ जिहदी वजह नाल कीचड़ जिहा बहुत ज़्यादा होया पिया वा ये साड़ी ईद आ जिहड़ी कि अज असीं अपने भैणां भरावां नाल मना रहे हाँ अस्सलाम वालेकुम माँ जी क्या हाल है ठीक हो ईद दियां मुबारकां तुहाडा हिस्सा गोश्त दा हुणे मैं ढांदी पई हां ठीक ठाक शुक्र अल्लाह दा तुसीं ठीक हो चलो ठीक है पकाओ ते खाओ गोश्त लै लवो ईद दा आ जाओ बच्चे ले जाओ ईद मुबारक खैर मुबारक अस्सलाम वालेकुम बीबी क्या हाल है ठीक है किथे आ ताड़ी नंद किथे आ अच्छा ठीक ठाक ईद मुबारक तानू ईद मुबारक ये तुहाडा हिस्सा ये जिदो ताड़ी नंद आ जाएगी ना उन्हां नूं दे दियो ये उन्हां दा हिस्सा वा हाँ जी चलो ठीक है कोई नहीं जज़ाकअल्लाह अल्लाह ताको खुश रखे आमीन 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 जी फबैन हमीद 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 अस्सलाम वालेकुम कैसी हो बेटा ईद मुबारक थैंक यू अस्सलाम वालेकुम कैसी हैं बाजी ठीक हैं ईद मुबारक आपको ईद मुबारक है ये आपका हिस्सा कुर्बानी के गोश्त का ठीक है अस्सलाम वालेकुम
ईद मुबारक, खैर मुबारक। काफ़ी ज़्यादा जड़ा ना अंधेरा हो चुकिया वा तो इस जंगल से इस वराने के ना इस तरह लगता जिमें रात का एक बज गया होंगे इन्ना नेरा तो मैं तो खौफ जहा भी आ रहा वा। अस्सलाम वालेकुम बाजी, बेटा इधर आओ। आज हले काफ़ी सारा गोश्त आ, कोशिश आ कि हर मुस्तहिक दे घर जिहड़ा ना गोश्त पहुँचे, उन्हां मुस्तहिक अफराद दे घर गोश्त पहुँचाउण दी कोशिश आ, जिहड़े किसे दे अगे हाथ नहीं फैलाउंदे, मंगदे नहीं गे, ते जिहड़े विचारे ईद वाले दिन भी दाल पका के खांदे आ। अलहमदुलिल्लाह गोश्त जिहड़ा वा सारा तकसीम हो चुकिया वा, ते गोश्त तकसीम करन तो बाद जिहड़ा ना असीं घर जा रहे हाँ, ते हले घर जा के कोई खाना वगैरह असीं हले बनाउणा वा। असी पहले कोशिश की है कि पहले जड़ा ना मुस्तहिक साढ़े जड़े भैन भाई आ उन्हें तक गोश्त पहुँचाइए, इतने एक घर रहा वा जिद सिर फटिया मसन उन्होंने गोश्त दे जाइए। अस्सलाम वालेकुम मामा, किधर है? ईद मुबारक। आलो ताड़ा गोश्त का हिस्सा कुरबानी का। हाँ जी सालन बना रहे हो? जजाकल्ला जजाकल्ला, अल्लाह पाक तुम बहुत ज्यादा रिज्क दे। ईद कैसी गुजरी? अच्छी, बहुत अच्छी। अच्छी थी? कपड़े क्यों नहीं पहने? ये लो ईद मुबारक। मुबारक ना डेमू तो वाल ये बोल नहीं सकता? नहीं आंटी। कितना प्यारा बेबी है माशाल्लाह। ये लो बच्चे, चलो। अस्सलाम वालेकुम पाजी, की हाल है? आराम आया? सिर नू चोट लगी सी तुहाडे? हाँ जी, आलो आ तुहाडा हिस्सा कुरबानी दा। ईद मुबारक बच्चो। हाँ जी चलो। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। कैसी ईद गुजरी आपकी? है आपका हिस्सा गोश्त का? जाओ घर, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम बाजी, की हाल है? ठीक हो? ईद मुबारक। कितने जा रहे हो? बस ईद घूमने फिरने। घूमने फिरने जा रहे हैं? वो चाहिए आपको? कुर्बानी की थी? नहीं अच्छा, ये ले फिर बिस्मिल्लाह पढ़े। ये आपका हिस्सा, वो दो आपके साथ हैं। क्या लगती हैं आपकी? एक मेरी बेटी है, एक भतीजी है। अच्छा चलो, ये भतीजी को दे दो। चल अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, ईद मुबारक। असल मेरे पीछे घर ऐसा आखा भी ताको गोश्त दीती आऊं। ठीक किते से? ठीक है। हां जी कुर्बानी दा गोश्त है। अच्छा हां जी ठीक है, वाला ला दे हवाले। अलहमदुलिल्लाह अल्लाह पाक दा शुक्र अदा करदे आं, कुरबानी दा गोश्त जिहड़ा सीगा सारा जिहड़ा ना तकसीम हो गया वा, ते तकसीम करदिआं करदिआं तुसीं देख रहे हो कि इशा दा टाइम जिहड़ा वा हो चलिआ वा, ते साडी कोशिश सीगी कि असीं हर उस घर पहुँचीए जिहड़े किसे दे अगे हथ नहीं फैलांदे, जिहड़े खामोश बैठे रहिंदे आ लेकिन किसे को शर्म महसूस करदिआं होइआं कुरबानी दा गोश्त जिहड़ा उह नहीं मंगदे। जिद्दां कि असीं तुहानूं हर एक घर दिखाया वा, उहनां दे घर दे हालात दिखाए आ, ते अल्लाह पाक दा शुक्र आ कि सब दे घर कुरबानी दा गोश्त जिहड़ा वा असीं पहुँचाया वा। अल्लाह पाक तुहाडे सारिआं दीआं कुरबानीआं कबूल करे, तो अल्लाह पाक सानू मजीद हिम्मत देवे ताकि इस तरह के काम जड़े आ उसी जारी रख सकी। काफ़ी थका देने वाला दिन सीगा अज, अल्लाह पाक कबूल करे, क्योंकि गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा सी, फिर बारिश हो गई, उस तो बाद फिर नेरा भी हो गया, जिद काफ़ी थोड़े जे मसला मसायल भी होया वा, तो अल्लाह पाक कबूल करे। बहुत शुक्रिया, खुश रहो, खुशियाँ वंडो, अल्लाह के हवाले।